पहले आएगा वो टीम अपनी रेड ले या पाड़ा, और सामने की टीम ने पहले रेड चूज किया सूटा जो मोला, एक हल्के की दो टीम सूटा, लेकिन पॉइंट मिलेगा सामने खुद की टीम को। अब आएगा दोस्तों शायद यस यानी विनय खत्री, अभी अभी 3 तारीख को पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया से टूर लगा के, मेलबर्न नाम का एक शहर है जहाँ क्रिकेट के मैच करवाए जाते हैं। आपके बेटे ने आप वहां पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और आप 12 तारीख को फिर जाएंगे, 14 तारीख का फिर मैच है। तो ये हरियाणा प्रदेश के हिंदुस्तान के आन बान शान जो स्टार खिलाड़ी हमारे छोटे बच्चों से उम्मीद करते हुए भी इस लाइन में आए, मेहनत करें और आप भी अपने देश का प्रदेश का नाम रोशन करें। और अनिल पालू का जलवा काफी दिनों के बाद, क्योंकि बीच में अनिल पानू थोड़ा सा बीमार हो गया था, उसमें वापसी करने में दोस्तों समय लगता है। भाई माइक आ रहे, एक काम कर दे, वायर का माइक उठने वाले को दे दो, एक वायर लगा के डोरी लगा के एक वहां दे दो ताकि उठर भी अपना काम करे। और मीता कल का बेस्ट ट्रेडर है, रेवाड़ी में खेल मिला था जैसे कि व्हाट्सएप बता रहा है, और डालडा फिलहाल रेस्ट पर है 11:30 के मैच। विकास आप मंच पे आ जाओ ना, नहीं नहीं आप हिंदुस्तान के अनुमान शान है विकास फरमाना पंचायत सेक्रेटरी 5 नवंबर 2012 को लाहौर के धरती पर यह मनाया। घंटा पहले भी बात बताई थी, नॉन स्टॉप रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो हमारा छोटा भाई भी यहाँ पहुंचे, हम धन्यवाद स्वागत करते हैं। नहीं पता है क्या, पहले सुधा ने अटैक किया फिर आपने उसको लगाया, तो इसलिए सिंगल टच हुआ। खिलाड़ी को धोखा ना, आर्थिक पकड़ाना ट्राई ट्राई, लेकिन पॉइंट मिलेगा सामने खुद जला जींद को। अब आएगा अमित कुमार सिहाग, हेलो हाँ भाई, सामने की टीम कमजोर नहीं ये? है लेकिन ये तो ठीक है, जूम कर दूंगा। और हर खेल बेले में टीम अपने तरोताजा होके दोबारा उतरती है, और यहाँ देखते हैं कौन किसको परास्त करता है, कौन किसको हराता है। प्रतिष्ठा की लड़ाई, कबड्डी की लड़ाई, जय कबड्डी जय हरियाणा। भाई मैं हूँ जय लाठर, तारा सारे भाइयों का केकेएल चैनल में बहुत स्वागत है। तामी ने वीडियो देख ली, अगर वीडियो तामने बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो ने लाइक कर दियो, लाइक करने से क्या फायदा हो है? हमने नू बेरा पटा है, तामने ये वीडियो पसंद आई है उस टाइप की और वीडियो हम तारे खातर डाल सका। और दूसरी बात भाई जो सब तक गणी जरूरी है, तारा अपना चैनल है केकेएल चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, तो हम कई बार देख लो वीडियोस मैच देख लो लाइव देख लो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर दे, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वो सब्सक्राइब करने दाजा जितनी भी बार हम लाइव आवाएंगे जितनी बार मैच डलेंगे तो हमने नोटिफिकेशन मिलेगी ताकि हम और देख सको। अरे भाई जो यार घंटी है ना इन्हें दब दब के तो तोड़ी दो, अरे नहीं तो तूड़ी ही उड़न दो और धुम्मा ठा दो सब्सक्राइब का। जय कबड्डी जय हरियाणा। आपके बीच में चली हुई है जैसा कि कोई भी भाई कहता है पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई, लेकिन आज कोई तीर तो तलवार की लड़ाई नहीं दोस्तों, आज प्रतिष्ठा और कबड्डी की लड़ाई है, इनाम की लड़ाई है। उसके बाद हम भाई भाई हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मुशेरे भाई हैं, जान पहचान वाले दोस्त मित्र हैं। और दीपक दाना ने छोटे भाई को बिल्कुल फिलहाल तक दबोच के रखा है, और शानदार कैच, अच्छा स्ट्रोक लाइन, लाठिया काला, अनिल पानो, सुबोध जमला और दीपक दाना, चार की चैन बड़ी अच्छी है। और विनय खत्री के बारे में ज्यादा आप समझते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कल भी मैच होने हैं, रोजाना ही मैच होते हैं, तो कोई कहीं कोई कहीं, कल हरियाणा पंजाब का भी मैच है, दौर की धरती पर भी खेल मेला है, और प्योर एक पंचायत मिनी ओपन बेरी में खेल मेला है,
कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं खेल सकता, कोई फेडरेशन वाला, कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओपन का दोस्त वहां नहीं खेल सकता। कल एक दिन का वहां खेल मिला होगा, मिनी ओपन में दो की छूट में मोहम्मदाबाद में 8 तारीख को, परसों संडे को खेल मिला दोस्तों, 10 तारीख को प्योर मिनी ओपन हडवा में आई, 11 तारीख को रोड माजरा करनाला में चलिए, 12-13 तारीख को ऐतिहासिक खेल मेला दादा काला पीरपा दक्षिणा जिला करनाल में होगा और वहां दिन दिन के खेल होंगे, इसलिए अब सुबह पहुंचना है दक्षिणा में। 15 तारीख को दामर जिला रोहतक में खेल मिला, 51-31-21 दो की छूट सभी टीमों को कराया, बेस्ट रेडर और कैचर को उचित इनाम। 16-17 तारीख को उदाना जिला पानीपत में, 18 तारीख को जम्बा जिला करनाल में, 21 तारीख को सादराना में, 22 तारीख को दौलताबाद गुड़गांव में और उसके बाद 26-27 तारीख को ऐतिहासिक खेल मेला मदाल धाम कलोई में होगा और 28-29 तारीख को अलग अलग बोलोगे मोरखी में आप आइए, 1 और 2 तारीख अक्टूबर को खेगड़ में चलिए और 4 और 6 से जो हमारी लीग होनी है जो ट्रायल हो चुकी है मिनी ओपन की, पहला इनाम 2 लाख रुपए है मिनी ओपन का। चलिए गाँव हरों तक में वहां पे 4, 5, 6 अक्टूबर को खेल मेला आप देख सकते हैं। बाकी 11 तारीख को दशहरा ग्राउंड एनआईटी ग्राउंड फरीदाबाद, यानी अक्टूबर के मैच भी अभी तक कहे, मेरा कहने का मतलब यह है टीम सांगवान दिखाई नहीं दे रही, आपने एक मैच की छूट मांगी थी, हमने 4 की थी लेकिन फिर भी टीम दिखाई नहीं दे रही। और भाव अकबरपुर टीम भी ये भी नहीं आ रही, दोनों टीमों को सैलेक्ट किया जाएगा, वो मैच समाप्त हो गया है। 12 जमुना 3.5 सामने खुर्द ये दोनों सागवान बावकपुर बी कटोली वसी खेतर फरमाना स्कूल मिर्जापुर बुडाना कुंभाखेड़ा घर अलीपुर वसी फैन सांगवान वसीद बावकपुर पर भी दोनों टीमों को टूट देते हैं।